अशोक तंवर इतना निर्दयी जो है वो परिवार का मुखिया नहीं है जो अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देखते हैं। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, गलत की बेटी दार लूँ, वैसे मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो वैसा करके भी देखूँ। टीएमसी में शामिल हुए अशोक तंवर को महज 10 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन इन 10 दिनों में ही तंवर के तेवर इस कदर बदल गए हैं कि वो कैमरे पर भी सीधे गर्दन काट देने जैसे बयान देने लगे हैं। जी हाँ, अशोक तंवर आज फतेहाबाद पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिना नाम लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर गरजे। तंवर ने कहा कि जब मैं कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष था तो बीते विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कुछ लोगों ने जमकर तानाशाही दिखाई। उन लोगों ने ऐसे नेताओं के टिकट जबरदस्ती कटवा दिए जो आसानी से जीत दर्ज कर सकते थे। तंवर ने कहा कि मैं ऐसा मुखिया नहीं हूं जो परिवार के लोगों की राजनीतिक हत्या होती देख सकूं, बल्कि मैं तो ऐसा आदमी हूं जो गलत व्यक्ति की गर्दन काट दूं। एक अवसर था, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। कहते हैं 12 साल फूकनी में भी रख दोगे ना तो पाइप में उसको रख दोगे, जब निकालोगे तो ऐसे ही पूंछ सीधी नहीं हो, पूंछ कट सकती है। कांग्रेस खत्म हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो उसका सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। अशोक तंवर को हराने में सारे एक साथ थे, और किसका साथ दे रहे थे? बीजेपी का दे रहे थे, अपनी बुआ का। अब ना बुआ दिखती ना कहीं भतीजे दिखते ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूरी नहीं था, वो ये दिखाना ही नहीं चाहते थे कि भाई। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दोस्ती के सवाल पर भी तंवर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से उनकी मित्रता अब नहीं है, क्योंकि मित्रता से बढ़कर देश बचाना है। अशोक तंवर के अध्यक्ष रहते हुए हम जीत हासिल करें, क्योंकि जीत हासिल करते तो मोदी की मदद कैसे होती लोकसभा में। अब अगर कोई सुभाष बराला को जिताने के लिए देवेंद्र बबली की टिकट काटेगा, जुलाना में कोई संघर्ष करने वाले के लिए किसी और की टिकट काटेगा, हमारे जितने मजबूत लोग होंगे उनको छाट छाट करके उनकी राजनीतिक हत्या करी जाएगी, तो अशोक तंवर इतना निर्दयी जो है वो परिवार का मुखिया नहीं है जो अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देख लेगा। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, गलत की घेटी तार लूँ, गलत आदमी की हराने वाले समय में, वैसे मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, लेकिन जब समय आएगा तो वैसा करके भी दिखाएंगे। क्या स्पष्ट बताऊँ कि सुभाष बराला को जिताने के लिए बबली की टिकट काट रहे हैं देवेंद्र बबली की, और वही देवेंद्र बबली सुभाष बराला को 57,000 वोट से पछाड़ देता, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट थे। तो ये किसको नहीं पता था, किसकी आंख फूट रही थी, किसको नहीं दिखता था ये बात। देखिए, मित्रता तो जो थी वो उसी टाइम नहीं, वो होली मित्रता पूरी, अब तो देश बचाने की लड़ाई। अब मित्रता हम देखते रहेंगे तो देश कैसे बचेगा, मित्रों को बचाएं, देश बचाएं। बता दें कि कांग्रेस में रहते हुए तंवर और हुड्डा गुट के बीच जबरदस्त तनातनी थी, और कई बार तो ये गुटबाजी हिंसक झड़प का कारण भी बन चुकी है। हालांकि अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़कर अब टीएमसी का दामन थाम लिया है, लेकिन तंवर का हमला अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उसी तल्ख तेवर के साथ जारी है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।